हेलो गाइज, मैं हूँ हार्दिक पांचाल। तो भाई अभी हमारे पास है वैगन आर का बिल्कुल बेस मॉडल LXi। भाई LXi में आपको पता होगा कुछ नहीं आता था, पर लेकिन हमने ना इसके अंदर सारी मॉडिफिकेशन करवा ली थी। जैसे कि इंटीरियर में अगर आपको दिखाता हूँ तो भाई इसके अंदर इंटीरियर में सिस्टम वगैरह लगवा लिया था, सीट कवर लगवा लिए थे, बाकी भाई सारी की सारी चीज़ मतलब जो कि होनी थी ना इसके अंदर हो गई थी। व्हील कैप्स हो गए अपने, बाकी आगे फ्रंट में दिखाऊँ तो फॉग लैंप वगैरह भी इसके अंदर भाई लगवा लिए थे जब गाड़ी ली थी। तो अभी इसको हो गए भाई 1.5 साल। पर लेकिन जो इसके अंदर सबसे बेकार सी चीज़ आती थी ना भाई, वो थी इसकी चाबी। ये देखो कितनी बेकार लगती थी भाई, बिल्कुल पुराने ज़माने की। वैन में भी ऐसी चाबी आती थी, ईको में भी और वैगन आर में भी ऐसी देते थे, पर लेकिन इसके अंदर भाई सेंटर लॉकिंग लगवाई थी तो उसके लिए अलग से रिमोट मिल गया था जिसमें यहाँ से लॉक हो जाती है और इससे अनलॉक हो जाती है ना। तो ये सिस्टम था इसमें भाई। उसके लिए ना आप क्या कर रहे हैं भाई, ये पुरानी चाबी से ना बहुत ज़्यादा बोर से हो गए थे, तो अभी मैं चल रहा हूँ भाई इसकी नई चाबी बनवाने के लिए। तो इसकी नई चाबी बनवाने के लिए लेके चल रहे हैं, जो कि बनेगी भाई फ्लिप की। और फ्लिप की ना भाई बिल्कुल प्रीमियम की होती है। उसमें मतलब क्या होता है ना, आपकी चाबी भी एक ही में हो जाती है फ्लिप की में, और सेंटर लॉकिंग भी उसी में आ जाती है। अलग अलग रिमोट और चाबी ना वो एक जगह हो जाएगी, तो उसमें भाई बड़ी प्रीमियम सी फील आएगी, आपने देखी भी होगी। और जब आपको लेके चलूँगा ना किस शॉप पर जा रहा हूँ मैं, करोलबाग में जा रहा हूँ, और दिखाता हूँ किस टाइप में बनती है और क्या सिस्टम रहता है उसका। और भाई जब बन जाएगी ना उसके बाद ला के चला के भी दिखाऊंगा। जैसे ही वर्क करिए ना लॉक पे अनलॉक पे, तो प्रॉपरली वो भी ऐसी वर्क करेगी पूरी की पूरी, और गाड़ी भी स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली क्या होता है ना, इसका सेंसर निकल के अपनी फ्लिप की में लग जाता है, तो ये सिस्टम रहता है। वो भी दूसरी वाली यही चाबी हो जाएगी, और ये अपना रिमोट इससे ही वर्क करेगा और दूसरे वाले से भी। तो भी आपको बाद में दिखाऊंगा कि किस टाइप से वर्क करेगी, क्योंकि अभी चलते हैं बनवाने के लिए करोलबाग। और भाई मैं तो भाई फ्लिप की बनवाने के लिए मैं आया था सिल्वर स्टार कार से इस पे, तो यहाँ पर अपने साथ आया लोग भैया। तो कैसे हो भैया? बढ़िया। तो भैया फ्लिप की बनवानी है, बना दोगे? बन जाएगी, मतलब बढ़िया क्वालिटी में। वैगन आ रहा है सारी गाड़ियों कोई सी भी हो। तो एड्रेस बता दो कहाँ पड़ेगी दुकान? 27 अब्दुल अजीम रोड, करोलबाग। तो भाई सिल्वर स्टार कार सीरीज। भाई आपने मेरी सारी वीडियो ज़्यादातर यहीं पे देखी होगी, चाहे कोई सी भी गाड़ी की मॉडिफिकेशन की हो। तो अभी मैं फ्लिप की भी इसलिए आलोक भैया के पास ही आया बनवाने के लिए, क्योंकि भाई कान मिलता है यहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन लेवल का। तो भाई अब बनवा के आ चुका हूँ चाबी, जो कि उस दिन मैंने आपको थोड़ी सी दिखाई थी कि किस टाइप पे बन के आती है। तो भाई ये देखो, ये होती है पूरी की पूरी प्रीमियम की, ये वाली फ्लिप की बनवाई है भाई। इसके अंदर लॉक का बटन भी मिल जाता है, इसी से लॉक हो जाती है, इसी में अपना अनलॉक का बटन भी हो जाता है। और भाई प्रीमियम भी लगती है देखने में, अपना छल्ला डाल लो जेब में टांग लो और इस बटन को दबा के यहाँ से हम इसको बंद भी कर सकते हैं। तो भाई जो पुराने वाली चाबी थी ना, अब उसका कोई काम नहीं है, अब इसी चाबी से ना अपनी गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी। और अगर लॉक अनलॉक करनी है, इसी में बटन दे रखा है, यहीं से अपनी लॉक अनलॉक भी हो जाएगी, यहाँ से भी अपनी पूरी की पूरी काम करेगी। क्योंकि जो पुरानी वाली चाबी थी ना, उसका सेंसर निकल के अब इस वाली के अंदर लग चुका है, जो प्रॉपर वर्क करती है जैसे पहले वाली करती थी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आपको एक बार स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ मैं, जैसे कि अभी न्यूट्रल पे है। तो देखो भाई एक बार, अभी जैसे कि सेल्फ मारते थे पहले वाली में, नॉर्मल स्टार्ट हुआ, पहली चाबी ऑन करते तो अपना म्यूजिक सिस्टम वगैरह ऑन हो जाता है, इसको बंद कर दिया। फिर यहाँ से अगर हम की ऑन करेंगे तो ये हो गई भाई गाड़ी ऑन। एक सेल्फ के अंदर गाड़ी ऑन हो जाती है भाई पूरी की पूरी, जैसे कि अपना स्टार्ट करते थे ना पहले वाली चाबी से, वही वाला सिस्टम है इसके अंदर पूरा का पूरा। लॉक अनलॉक भी हो जाते हैं भाई, देखने में प्रीमियम लगती है, सबसे मेन बात तो ये है इस चाबी के अंदर। और बाकी भाई पूरी की पूरी सिस्टम वही था, मैंने आपको दिखा दिया था कि किस टाइप की पहले वाली थी। पहले वाली ना बहुत अजीब सी लगती थी यार, वो फ्लिप की तो आती नहीं थी, जैसी नॉर्मल ईको वीको आती वो वाला सिस्टम आता था, वो बड़ा बेकार सा लगता था। तो भाई इसलिए ना फ्लिप की बनवा दी, जो कि भाई काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। तो यही सही था कि, और भाई इसका प्राइस ना बहुत कम है, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, और भैया से पूछ लेना। 1200 से 1500 रेंज में आपकी बड़े इजीली बन जाते हैं भाई। बहुत सारे डिजाइन आते हैं, इन जो की होती है ना इनके अंदर बहुत सारे डिजाइन मिल जाते हैं आपको, वो सारे के सारे डिजाइन दिखा देंगे किस टाइप के डिजाइन मिलते हैं अपने को। और ये अपना भाई, हमें तो ये वाला ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि इसके अंदर ना ये थोड़ी प्रीमियम से क्रोम वगैरह मिल जाता है इसके अंदर चारों तरफ और ऊपर से भी, है ना। तो ये अपने को पड़ी थी भाई 1500 रुपए की, तो भाई 1500 रुपए में काफी ज्यादा वर्थ इट लगी। इसके अंदर इनने पीछे की साइड सुजुकी का लोगो भी लगा दिया था, और बाकी यहाँ से अपनी फ्लिप की बन गई। तो भाई यही थी छोटी सी वीडियो, पसंद तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।